नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौर में चलिए आज से हम बात करते हैं कि विश्व में अनेक काल में कई तरह की महामारियाँ फैली थी, तो आज जिस महामारी की हम पहले बात करने वाले हैं वो है ब्लैक डेथ, यानी काली मौत। ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग का एक विनाशकारी वैश्विक महामारी था जिसने 1300 के दशक के मध्य में यूरोप और एशिया में बहुत तबाही फैलाई थी। अक्टूबर 1347 में प्लेग यूरोप में पहुंचा, जब काला सागर से 12 जहाज मेसिना के सिसली बंदरगाह पर डॉक किए गए तो डॉक पे इकट्ठा लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन उन्हें मिला एक भयानक आश्चर्य। जहाजों पर सवार अधिकांश नाविक या जो यात्री थे वो मृत थे, और जो जीवित थे वो गंभीर रूप से बीमार थे। उनके शरीर पे काले फोड़े पड़ गए थे और उन फोड़ों में रक्त और मवाद यानी पस और खून भर गए थे। सिसली के अधिकारियों ने जल्दबाजी में इन जहाजों को बेड़े से बाहर करने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और यह बीमारी आने वाले अगले 5 सालों में पूरे यूरोप में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को मारने का कारण बनी, यानी लगभग 1/3। वैसे जिसे काली मौत कहा जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहने के लिए कहते हैं कि यूरोप ने ग्रेट पेस्टिलेंस के बारे में अफवाहें सुनी थी कि यह बीमारी 1340 के दशक के शुरुआत में चीन, भारत, फारस, सीरिया और मिस्र जैसे कई देशों में अपना तहलका मचा चुका था, तबाही फैला चुका था। वैसे कहा जाता है कि इस बीमारी की भी उत्पत्ति कोरोना वायरस के जैसे ही चीन से ही हुई थी। एक यह भी कहा जाता है कि काली मौत को यानी ब्लैक डेथ को प्लेग भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति 2000 साल पहले एशिया में हुई थी और व्यापारिक जहाज, जो बिजनेस करने के लिए जहाज एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते थे, वह बनी इसके कई अन्य जगहों पर फैलने का कारण। इसके लक्षण कैसे होते थे? ब्लैक डेथ की भयानक वास्तविकता के बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे शरीर में शुरुआत होता था कमर से और आपके हाथ के बगलों से फोड़े पड़ने शुरू हो जाते थे, अंडों के आकार के, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और यह पूरे शरीर में फैल जाता था और उसके साथ साथ उन फोड़ों में पस भर जाता था। उसके साथ साथ बुखार, ठंड लगना, उल्टी, दस्त, भयानक दर्द और अंततः 5 से 7 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती थी। कहते हैं इस बीमारी में लसिका प्रणाली पर हमला करता है जिससे लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, और यदि सही इलाज नहीं मिला तो यह फेफड़ों तक फैल जाता था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। यह भी बीमारी कोरोना वायरस की तरह छूने से फैलता था। कई लोग तो अगर रात में सही तरीके से सोने के लिए जाते थे तो सुबह बिस्तर पर ही मृत पाए जाते थे। तो यह थी परिस्थिति ब्लैक डेथ की, जो कि लगभग कोरोना महामारी से मिलता जुलता था। इसके साथ साथ यह हवा से भी फैलने लगा था। पिस्सू और चूहों के काटने से, कीड़ों के काटने से भी यह बीमारी फैलने लगी थी। डॉक्टर्स के पास इसके इलाज के लिए कोई सही तरीका नहीं था। आज की तरह ही कई तरह के जड़ी बूटियों के उपचार पर ज़्यादा भरोसा किया जाता था कि इस चीज़ से अगर आप नहा लेते हैं या इस चीज़ से स्नान कर लेते हैं या यहाँ पूजा कर लेते हैं तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, जबकि सच्चाई से यह बहुत दूर था। डॉक्टरों ने मरीजों को देखने से इनकार तक कर दिया था, पुजारियों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, दुकानदार अपने दुकान बंद रखने लगे थे, लोग शहर हो तो शहर और गांव हो तो गांव छोड़ छोड़ कर के भागने लगे थे, लेकिन वहां भी वो बीमारियों से बच नहीं सके। यहाँ तक कि वह बीमारी तो गाय, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी जैसे कई जानवरों तक को हो चुका था, और इतनी भेड़ मर गई थी जिसके कारण यूरोप में ऊन की कमी हो गई थी। कई लोग तो यह मानने लगे थे कि प्लेग को दूर करने का एकमात्र तरीका भगवान की क्षमा को जीतना था, क्योंकि यह बीमारी भगवान ने सजा के तौर पर लाया था, और इस क्षमा का उन्होंने यह तरीका ढूंढा, नरसंहार। 1348 से 1349 यानी 1348 से 1349 में कई हजार यहूदियों का नरसंहार कर दिया गया था। कई लोग भाग गए, जो भाग गए वो बच गए थे। तो यह भी परिस्थिति देखने के लिए मिली थी उस समय। कुछ लोग तो पड़ोसियों को मार करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। अब बात करते हैं काली मौत आखिर खत्म कैसे हुई। प्लेग वास्तव में कभी खत्म नहीं हुआ, यह वर्षों बाद प्रतिशोध के साथ लौटा।
लेकिन उस तरह का असर वह फैला नहीं पाई, यानी इसका प्रसार जो है धीमा रह गया। और लोगों ने उस समय यह किया कि कई तरह के नाविक किया, जो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे उसे अलग थलग किया, यानी आज की डेट में जो आप आइसोलेशन देख रहे हैं उस आइसोलेशन का प्रयोग करके उस समय भी इससे बचने का प्रयास किया गया। और आज भी प्लेग यानी ब्लैक डेथ महामारी हमारे बीच में मौजूद है, भले ही कमजोर है, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं है, लेकिन वह आज भी हमारे बीच में मौजूद है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ब्लैक डेथ के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स उपलब्ध है, लेकिन प्लेग के हर साल अभी भी 1000 से 3000 मामले सामने आते हैं। भारत में प्लेग की एंट्री पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश इंडिया में हुई थी, तब इसका असर सबसे ज़्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे पोर्ट सिटी में ही दिखा था। यहाँ कई समुदाय तो पूरी तरह खत्म हो गए थे। उस खौफनाक महामारी के दौरान भारत में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। यूके की डिफेंस इवेल्युएशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत में 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और उसी दरमियान में फिर आगे जा करके महामारी अधिनियम 1897 भी बना। तो यह था काली मौत के बारे में जानकारी, यानी ब्लैक डेथ के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा दूसरे महामारी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।